तो अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 पे चल रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने कहा था क्वेश्चंस किए थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। तो हमारी एक्सरसाइज 11A और 11A एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 हम लेने जा रहे हैं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 जरा से चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का फोकस चेक करेंगे। आ रहा है? आ रहा है क्वेश्चन नंबर 11 ढंग से आ रहा है? बिल्कुल बढ़िया। तो क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं बच्चों। 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ध्यान दें, ये दिया गया हॉट वाटर 80 डिग्री सेल्सियस पे है और 200 ग्राम है। कितना है बच्चों? 200 ग्राम इज एडेड टू 300 ग्राम कोल्ड वाटर। तो आपके पास है बच्चों कोल्ड वाटर, और कोल्ड वाटर कितना है बच्चों? 300 ग्राम कोल्ड वाटर है एट 10 डिग्री सेल्सियस। नेगलेक्टिंग हीट टेकन बाय द कंटेनर। देखो इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि कंटेनर कोई हीट नहीं ले रहा, तो कंटेनर को हम नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो बच्चों हॉट वाटर हीट देगा और कोल्ड वाटर हीट लेगा, तो आप क्या लिखेंगे? टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू टोटल हीट टेकन। और बच्चों एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डैश सी डैश डेल्टा टी डैश। पे अटेंशन ईजिली बच्चों, ध्यान दो, दोनों ही तरफ वाटर है, तो ये और ये क्या हो गया है बताओ? कैंसिल हो गया। और बच्चों इनके बीच में आएगा मिक्सचर। कॉमन सी बात है कि टेम्परेचर 80 डिग्री से नीचे जाएगा और 10 डिग्री से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। 80 डिग्री से नीचे जाएगा और 10 डिग्री से कहाँ जाएगा? ऊपर। ये मास बच्चों कितना दिया गया है? 200 ग्राम और 200 ग्राम है और अपॉन 1000 इस लेकर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब पहले इसको 200 ही रहने देते हैं, डेल्टा टी देखते हैं। आपसे मिक्सचर का टेम्परेचर पूछा गया है, तो बच्चों 80 माइनस टी ले लेते हैं। ये मिक्सचर का टेम्परेचर टी है तो क्या हो जाएगा? 80 माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 300 और ये डेल्टा टी हो जाएगा टी माइनस 10, क्योंकि टी से ज़्यादा है ये, है। तो ये बच्चों आ रहा है 8 × 16000 माइनस 200 टी इक्वल टू हो जाएगा 300 टी माइनस 3000। 3000 इधर आएगा 16 × 6 = 19000 इक्वल टू 200 इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 500 टी। तो टी की वैल्यू हो जाएगा 190000 डिवाइडेड बाई 500000, फिर ये 5 × 3 = 15, 4 × 5 = 40, 38 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस इज द आंसर गिवन हियर, 38 डिग्री सेल्सियस। बच्चे ध्यान दें कि इस क्वेश्चन के अंदर सी की वैल्यू 4200 वो कंफ्यूज करने के लिए दी है। वाटर वाटर है तो सी सी पहले ही कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जरा ध्यान दीजिए, नाउ सी क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है बच्चों 45 ग्राम ऑफ वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस। ये वाटर है, मास दिया हुआ है 45 ग्राम एट 50 डिग्री सेल्सियस। इन अ बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर। अच्छा, ये जो वाटर आपको दिया गया है, ये बच्चों दिया गया है एक बीकर के अंदर रखा गया है। ये वाटर कहाँ रखा गया है? एक बीकर के अंदर रखा गया है, और आपसे कह रहे हैं कि इसमें 50 ग्राम कॉपर डाल दिया गया है। ये कॉपर का टुकड़ा है 50 ग्राम का, 18 डिग्री सेल्सियस पे ये उठा के इसमें पुट कर दिया गया है ना। कंटेंट फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर रीच कराते हैं, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। बच्चों इन दोनों के बीच में मिक्सचर का कोई फाइनल टेम्परेचर टी आएगा, मतलब टी डिग्री सेल्सियस आएगा, क्लियर है? वही आपसे पूछ लिया गया है, तो आइए इसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं।
ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन, बच्चे ध्यान दो, ये हॉट है तो हमारा क्या होगा, टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों टोटल हीट टेकन। अच्छा बच्चों टोटल हीट गिवन कौन कर रहा है, हीट गिवन कौन कर रहा है बताओ, वाटर, और हीट टेकन कौन कर रहा है, कॉपर, क्योंकि ठंडी वाला हीट लेगा और ये हीट देगा। तो बच्चों इसका टेम्परेचर 50 से क्या होगा, डाउन होके टी आएगा, तो डाउन के लिए मैं ऐसे बना देता हूँ, और ये 18 से अप होके टी आएगा, तो बच्चों इसका हो जाएगा एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डैश सी डैश डेल्टा टी डैश। यहाँ मास कितना दिया गया, 45 ग्राम, सी का वैल्यू आप देखिए वाटर का इसमें दिया गया है 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन, 4.2 डेल्टा टी 50 माइनस टी हायर माइनस लोअर, तो ये हो जाएगा 50 माइनस टी इज इक्वल टू एम डैश, 50 सी डैश इसका बच्चों कॉपर का सी होगा, ये 0.39 दिया गया है, देखो ना ये कॉपर का है 0.39 दिया है क्वेश्चन में, और डेल्टा टी 18 से टी जा रहा है तो यहाँ कितना हो जाएगा टी माइनस 18 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब इसी को हमको सॉल्व करना है, जरा ध्यान दें इसको हम के है, हाँ एक सेकेंड, अब इसी को हम सीखने जा रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए, 45 इंटू 4.2 इज इक्वल टू 189 इंटू 50, ये 189 इंटू 50 ये आ रहा है 94.50, और माइनस 189 टी इज इक्वल टू हम लोग करेंगे 50 इंटू 0.39 ये आ रहा है 19.5, तो हो जाएगा 19.5 टी माइनस, और 19.5 इंटू कितना हो जाएगा बच्चों 18, ये आ जाएगा 351, तो बच्चों क्या होगा, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, 94.50 प्लस 351 इज इक्वल टू 19.5 टी प्लस 189 टी, क्लियर है, तो 351 में हम जोड़ देंगे 351 प्लस 94.50 ये आएगा 9801 इज इक्वल टू, और 189 में हम लोग जोड़ेंगे 19.5 208.5 टी, तो टी की वैल्यू दिस डिवाइड बाय दिस हो जाएगी, यानी ये आएगी 9801 डिवाइड बाय 208.5, ये आंसर आएगा 47.00 डिग्री सेल्सियस एंड दिस इज द आंसर 47.00 एंड दिस इज द आंसर, इज इट ओके और नॉट, क्लियर है, ये पॉइंट लगा तो हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये बड़े बड़े पॉइंट लगाए थे, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे हम आ रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए, आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं शो करा रहा हूँ, जरा बच्चे चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 शो हो रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 श्योर है, पूरा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 चेक करें, मास ऑफ 50 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, बच्चों ये तुम्हारे पास दिया गया है मेटल, और उसका मास कितना दिया गया बताओ 50 ग्राम, एट 150 डिग्री सेल्सियस इज इमर्ज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, ये है 150 डिग्री सेल्सियस, इसको आपने डाल दिया है वाटर में, और वाटर का टेम्परेचर बच्चों कितना दिया गया, 100 ग्राम वाटर एट 11 डिग्री, 100 ग्राम वाटर दिया गया है 11 डिग्री सेल्सियस पर, फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, इन दोनों के बीच में मिक्सचर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, तो बच्चों ध्यान दो ना, ये टेम्परेचर डाउन होके आया और ये टेम्परेचर अप होके 20 आया है, ठीक है, कैलकुलेट स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ मेटल,
ये मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्मॉल सी पूछी गई है, जरा विशेष ध्यान देने की कृपा करें। बचो ये हॉट है ये कोल्ड है, तो ये हीट देगा ये हीट लेगा, फिर वही लिखेंगे हम, टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू टोटल हीट टेकन, टोटल हीट गिवन इज इक्वल टू टोटल हीट टेकन। तो बच्चों टोटल हीट गिवन कितना हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी इज इक्वल टू एम डैश सी डैश डेल्टा टी डैश। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बच्चों यहाँ मास कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, और मेटल का सी हमको पता नहीं है, डेल्टा टी 150 से 20 कितना हुआ बच्चों, 130 हो गया, हायर माइनस लोअर। और ये कितना दिया गया, 100 दिया गया है, और सी की वैल्यू बच्चों 4.2 दी गई है क्वेश्चन में, जूल पर ग्राम 4.2 ग्राम में चल रहा है मामला। और डेल्टा टी बच्चों 11 से बल्कि 20 हुआ है, तो हायर माइनस लोअर 20 माइनस 11 कितना हो गया बच्चों, 9 हो गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, 50 से 100 काटा तो 50 दुना 100 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 9 दुनी 18 हो गया, 18 × 4.2 / 130 इज इक्वल टू। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं, 18 × 4.2 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 130, आंसर 0.5815 इज इक्वल टू 0.582 जूल पर ग्राम केल्विन। यार इसको थोड़ा सा समझ लो भाई, फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। भैया क्यू की यूनिट क्या होती है, जूल, मास की यूनिट क्या होती है बताओ, ग्राम या किलोग्राम, या ग्राम में लिया तो ग्राम ले लिया हमने, ठीक है अनन्य। और ये कितना हो जाएगा टेम्परेचर, केल्विन में, यानी जूल ग्राम माइनस वन केल्विन माइनस वन। अनन्य भाई थक गए, कै बजे से पढ़ रहे हैं बच्चे, कै बजे से पढ़ रहे हैं, 9 बजे से, और रात तक कितना बज गया है, 2 बज गए। आज एक बात याद रखना सारे बच्चों, ये मैं बहुत सुनिए मिस्टर तन्मय, आज एक बात याद रखना, ये जिंदगी भर बात याद रहेगी, ध्यान दीजिए तो बताएं मिस्टर तन्मय, ध्यान दीजिए तो बताएं, ये जो घड़ी की सुइयां देख रहे हो ये रात और दिन नहीं बताती है, ये बताती है कि ये जब घूमती हैं तो इसमें से कितना टाइम तुमने अपनी ज़िंदगी के उत्थान के लिए खर्च किया है। और बड़ा अच्छा हमने कहीं पे लाइन पढ़ी थी बच्चों कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, मतलब हम कोई महात्मा नहीं है कि ये तुम्हें कोई कोटेशन बता रहे हैं, ये मत समझिएगा कि यहाँ पे कोई बाबा रामदेव अपना प्रवचन दे रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए लोगों से नहीं लड़ना पड़ता है, दुनिया से नहीं, इन्हीं रातों से लड़ना पड़ता है, इन्हीं रातों से लड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो आज आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपको सफलता ही मिलेगी, ठीक है, मजबूती से पढ़ाई करें। क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा करने जा रहे हैं, आप 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे बच्चे ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, ये नींबू पानी का क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 जरा सा, हाँ लेमन स्क्वैश वाला क्वेश्चन है, जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 विजिबल हो रहा है, आप देखिए विजिबल हो रहा है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 चेक करिए विजिबल हो रहा है बढ़िया से, हाँ 7-8 पूरे हो गए, और नीचे वाले भी हो रहे हैं सारे, 6, 7, 8 क्वेश्चन नंबर 8, 0.5 kg लेमन स्क्वैश है 30 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास नींबू पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, कितने पे दिया है, 30 डिग्री सेल्सियस पे दिया है, इस प्लेस इन अ रेफ्रिजरेटर विच रिमूव हीट एंड एवरेज रेट ऑफ 30 जूल पर सेकेंड। फिर वही वाली बात आई यार, एक तुम्हारे पास क्या है, फ्रिज है, वो निकाल रही है हीट, उसमें से कैसे निकाल रही है, 30 जूल पर सेकेंड। ए बच्चों जूल पर सेकेंड क्या चीज होती है, वाट होती है, जूल पर सेकेंड क्या होती है, वाट होती है, यानी ये क्या चीज दे रखी है, पावर दे रखी है बच्चों, क्या चीज दे रखी है, पावर दे रखी है, बहुत बढ़िया बताया भाई, पावर दे रखी है।
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल द लेमन स्क्वैश टू 5 डिग्री। ए बेटे इसमें देखो फिर से आया है 25 डिग्री, मतलब 5 डिग्री तक इसको ठंडा कर दिया है। किसने ठंडा कर दिया है? फ्रिज ने ठंडा कर दिया है। इसमें से क्या बाहर कर ली बताओ? हीट बाहर कर ली है। तो कह रहा है कितना टाइम लगेगा। ए बेटा इधर देखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन पावर। अच्छा 30 से 5 टेम्परेचर फॉल हो रहा है, क्या लगेगा? एम सी डेल्टा टी अपॉन पावर इज इक्वल टू मास। बच्चों दिया है कि नहीं दिया है इसका? 0.5 केजी। तो मास कितना हो जाएगा? 0.5 केजी। और बच्चों सी का वैल्यू कितना दिया गया है? कैपेसिटी ऑफ स्क्वेयर 4200 जूल पर केजी, 4200 जूल पर केजी। और डेल्टा टी 30 से 5 तो डिफरेंस कितना आया बच्चों? 25 आया। और अपॉन पावर कितना है बताओ? 30 है। तो बच्चों पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, 5×30=60 हो गया, जीरो से जीरो काटा, यानी 420 इंटू 25 अपॉन कितना हो गया बताओ? 6 हो गया। तो बच्चों समय हम देखने जा रहे हैं, 420 इंटू 25 बराबर इतना डिवाइडेड बाई 6, ये 1750 आ गया। 1750 सेकेंड आ गया बच्चों, क्या आ गया बताओ? सेकेंड। इसको 60 से डिवाइड करते हैं, तो 60 से डिवाइड करते हैं, जीरो से जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 6×3=18 यानी 6×2 कितना हो जाएगा? 12 और 5×55 9×6=54 1। यानी कि बच्चों तुम्हारे पास 29 मिनट आ गया है। कितना आ गया है बच्चों बताओ? 29 मिनट। जरा एक काम करो, इसको ऐसे चेक करो, 29 इंटू 60 करो, देखो कितना आ रहा है। ए बेटा तुम्हारे पास इतने तो सेकेंड है, इतने सेकेंड है ना, पहले बात तो सुनो यार। तो 29 मिनट आ गया है, जरा 29 इंटू 60 करो, देखो 1740 आएगा। और ये 1750 है, यानी कितने सेकेंड और बचे बताओ? 10 सेकेंड। आंसर है 29 मिनट 10 सेकेंड। आंसर क्या है? 29 मिनट 10 सेकेंड। आसान है कठिन है? आसान। चेक कर लेना वरना उल्टा सीधा लिख के चले आओगे। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, सीधे सीधे अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आने जा रहे हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 7 पे आने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर 600 वॉट। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपके पास है इलेक्ट्रिक हीटर और इसकी पावर कितनी दी गई है? 700 वॉट। 600 वॉट। 600 वॉट। रेजेस टेम्परेचर ऑफ 4 kg लिक्विड फॉर्म 10 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता है 15 डिग्री सेल्सियस। और टाइम क्या लेता है बच्चों? टाइम क्या लेता है? 100 सेकेंड लेता है, 100 सेकेंड लेता है। और लिक्विड क्या है तुम्हारे पास? 4 kg लिक्विड है। 4 kg लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाता है 30 सेकेंड में। क्या ले कह रहे हैं? द हीट कैपेसिटी ऑफ 4 kg ऑफ लिक्विड। बच्चों इन्होंने पूछा है हीट कैपेसिटी। क्या पूछा है? हीट कैपेसिटी। मैं आपको यहाँ पे एक बात क्लियर करने जा रहा हूँ, अब 2 मिनट का एक टॉपिक चलेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 2 मिनट का पहले एक टॉपिक चलेगा बच्चों। देखो फॉर्मूला होता है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। इसमें एम इंटू सी जो होता है ये कैपिटल सी होता है, तो क्यू इज इक्वल टू कैपिटल सी डेल्टा टी। बच्चों ये जो कैपिटल सी होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हीट कैपेसिटी, या इसी को बोलते हैं हम लोग थर्मल कैपेसिटी। और ये जो स्मॉल सी होता है ये होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अगर आप मास मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं? मास। तो ये जो एम इंटू स्मॉल सी कैपिटल सी ये हीट कैपेसिटी बनता है। बिल्कुल कन्फ्यूज मत होना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है बच्चों तुमको हीट कैपेसिटी निकालनी है, यानी कैपिटल सी निकालनी है। तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी जूल पर
ये क्या है, डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन, ठीक है। अब जो अब तुम्हारा यहाँ से पावर का फॉर्मूला लगाओ, पावर इज इक्वल टू हीट अपॉन टाइम, तो हीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर इंटू टाइम। बच्चों पावर है 600 वाट, टाइम है 100 सेकेंड, तो तुम्हारा आ जाएगा 6 × 10⁴ जूल, ये हीट आ गया। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6 × 10⁴, आ गया नहीं आ गया। और निकालना क्या है बताओ, ये है डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो 10 डिग्री से कहाँ जा रहे हैं 15, तो डेल्टा टी कितना आ गया 5 आ गया। तो बच्चों आप खुद देखो ना, 6 × 1, 2, 3, 4 / 5, 5 × 10 = 2000, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12, 1, 2, 3 12000 आंसर है, 12000। जरा ध्यान दीजिएगा अभी पूरा, अब इसको आप 0.0 लिख लो, डेसिमल बढ़ाओ 1, 2, 3, 4, यानी 1.2 × 10⁴ जूल पर केल्विन। भाई देख रहे हो ना इसकी यूनिट, क्यू का जूल है और इसका केल्विन है, तो क्या हो जाएगा बताओ, जूल पर केल्विन। बात आ गई कि नहीं आ गई, ये बच्चों हो जाएगा जूल पर केल्विन, पहला आंसर आ गया। अब ये कह रहे हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, बड़ा आसान है बच्चों, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, कैपिटल सी की वैल्यू आ चुकी है, तो कैपिटल सी इज इक्वल टू होता है एम इंटू स्मॉल सी, तो स्मॉल सी इज इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन एम, तो ये बच्चों कितना आया था बताओ, 12000 आया था, 12 के आगे 3 जीरो, और मास बच्चों कितना दिया गया है तुमको, 4 kg दिया गया है, मास कितना दिया गया बताओ, 4 kg, तो अपॉन 4 रख देंगे, 4 × 3 3000, और यूनिट सबको पता है क्या होती है बताओ, जूल पर केजी केल्विन, क्या हो जाएगी, जूल पर केजी केल्विन। क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। इज इट ओके फॉर एवरीवन? तो हमने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 7। अब बच्चों करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जरा अटेंशन पे करिए, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी सम्मानित छात्र। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द टाइम टेकन बाई 500 वॉट हीटर। ए बेटा आपको एक हीटर दिया गया है और इस हीटर की पावर दी गई है बच्चों 500 वॉट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 50 kg ऑफ मटीरियल। ए बेटा एक मटीरियल दिया गया है और मटीरियल का जो मास है वो कितना दिया गया है बताओ, कितना, 50 kg, 50 kg, और मटेरियल का सी कितना दिया गया मटेरियल का सी कितना दिया गया बच्चों, 960 जूल पर केल्विन केजी है, और 18 से 38 करते हैं, क्या करते हैं, 18 से 38 करते हैं, यानी कि डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 38 − 18, कितने डिग्री आ जाएगी, 20 डिग्री आ जाएगी। ए बेटा ये रूल मालूम है कि डेल्टा टी इन डिग्री सेल्सियस चेंज इज इक्वल टू डेल्टा कैपिटल टी इन केल्विन, यानी डिग्री सेल्सियस का जो चेंज है और केल्विन में जो चेंज है वो चेंज इन टेम्परेचर कैसा होता है दोनों में, सेम होता है, दोनों में चेंज इन टेम्परेचर कैसा होता है, सेम होता है। जरा ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में टाइम निकालना है, क्या निकालना है, टाइम। तो पावर इज इक्वल टू हो गया हीट एनर्जी अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, हीट एनर्जी अपॉन पावर, समझ गए कि नहीं समझ गया। और बच्चों क्यू क्या है, 18 से 38 जा रहा है, यानी एम सी डेल्टा टी अपॉन पावर हो जाएगा। बच्चों मास कितना दिया गया है बताओ, 50 kg, सी कितना दिया गया बताओ, 960, डेल्टा टी कितना दिया गया है 20, और पावर कितनी दी गई है बताइए, 500, 50 से एक आटा 10 हो गया, एक आटा ये हो गया 200, 2 × 12 = 2 हासिल लगा, 1 × 2 = 18, 1920 सेकेंड, 1920 सेकेंड। अब सेकेंड को बच्चों अगर हम डिवाइड कर दें, 1920 को 60 से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई क्या कर दें बताओ, 60, तो आपका 32 मिनट आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है बताओ, 32 मिनट
एंड दिस इज द आंसर गिवन इन योर बुक। इसके अलावा अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे चेक करेंगे, हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्या बोल रहा है, 1300 जूल हीट एनर्जी सप्लाइड, यानी क्यू कितना दिया गया है बच्चों, 1300 जूल। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 डिस्प्ले कर रहा हूँ, बच्चे चेक कर लें। देखो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, 4, 5, 6 प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, पूरे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमने डिस्प्ले करे और 5 में दे रहा है कि 1300 जूल एनर्जी प्रोवाइड हो रही है 0.5 केजी लेड। बच्चों पी भी दिया गया है और इसका मास दिया गया है 0.5 केजी फ्रॉम 20 to 40। तो बच्चों 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तो डेल्टा टी की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा बताओ, 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर हो रहा है? यस सर, बहुत अच्छे से एकदम। चलिए भाई विशेष ध्यान दे रहा है यहाँ पे। अब कैलकुलेट द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ लेड, सी निकालना है बच्चों। तो यार ये बताओ क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी, तो सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्यू दिया गया है बच्चों 1300 जूल, मास 0.5 और डेल्टा टी कितना है 20 है। पॉइंट हटा 0 बड़ा 0 से 0 कटा, 5 × 2 = 10 और 1 = 0 कटा 130। आंसर इज 130 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, 4 वाला बच्चों डिस्प्ले हो गया था क्वेश्चन प्रॉपर। तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग इसको डिस्प्ले करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए ध्यान दें, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर। कॉपर कितना दिया गया बताओ, मास 100 ग्राम दिया गया है और आपसे कह रहा है हीट एनर्जी क्यू रिक्वायर्ड निकालिए 20 से 70 डिग्री। तो बच्चों 20 डिग्री से आपको बढ़ा के कहाँ ले जा रहा है, 70 डिग्री ले जा रहे हैं बच्चों। तो डेल्टा टी का वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा बताओ, 70 माइनस 20 हायर माइनस लोअर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री सेल्सियस बोलो या 50 केल्विन बोलो, एक ही चीज़ है, क्योंकि चेंज इन डिग्री सेल्सियस चेंज इन केल्विन कैसा होता है, सेम होता है। तो बच्चों स्पेसिफिक कैपेसिटी कॉपर 390 दिया गया है, ये दिया गया है 390 जूल पर केजी केल्विन दिया गया है। तो प्यारे बच्चों क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेम्परेचर राइज में, एम सी डेल्टा टी, मास 100 ग्राम है और यहाँ केजी में सी है तो इसको केजी में बदल लेंगे, अपॉन 1000, सी हो जाएगा 390, डेल्टा टी हो जाएगा 50, 2 0 से 2 0 कटा, 0 से 0 कटा, यानी आ गया 39 × 50। तो 39 × 50 हम लोग करके देखेंगे, 39 × 50 1950 एंड दिस इज योर आंसर, आंसर इज 1950 जूल। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा फिनिश हो गया, यहाँ तक बात आ गई कि नहीं आ गई। तो बच्चों ये वाला लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, इसके बाद कैलोरीमीट्री का लास्ट लेक्चर बनेगा, इसमें बचे हुए कॉन्सेप्ट और ये 3 न्यूमेरिकल्स करा के हम कैलोरीमीट्री क्या कर देंगे, समअप कर देंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट फॉर योर कोऑपरेशन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू।